बाकी सब और रंगीन है, लाल है, पीला है, सब चलता है। भगवा कम बिकता है, पहले जैसा नहीं बिकता भगवा। उससे पहले ये है कि सरकार नहीं बनी थी, जब पहली सरकार तब भगवा ज्यादा चल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे क्रेश थोड़ा कम गया, कम हुआ है, थोड़ा कम, कम हुआ है। हाँ। कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ और कलर पसंद कर लेते होंगे लेकिन भगवान नहीं पसंद कर रहे हैं? भगवान नहीं पसंद कर रहे। क्या लगता है क्यों नहीं पसंद कर रहे आपको? इससे पहले ज्यादा बिकता था? बिकता था अभी, फिर भी अभी फिलहाल बहुत कम बिक रहा है। अभी जितना बिकता था पहले ना, अभी उससे कम बिक रहा है। बहुत कस्टमर कम आ रहे हैं जी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधायक निवास दारुलसफा में। ये वो दारुलसफा जगह है जहां से जो सियासत है उसकी जो पौध है वो तैयार होती है, और यहीं से तमाम सारे जो नेता हैं वो शॉपिंग करते हैं, और यहीं कुर्ता पैजामा और पैंट तमाम सारे कपड़ों की शॉपिंग है, जो सिर्फ सबसे ज़्यादा नेताओं की ही यहाँ शॉपिंग होती है और नेताओं के कपड़ों की यहाँ तमाम सारी दुकानें हैं। तो हम आज आ गए हैं और इन लोगों से पूछेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ की रंगत और रौनक कुछ बदली है या जस के तस है। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ इस समय जो मार्केट है उसमें चल रहा है। कैसी दुकानदारी आजकल चल रही है? ठीक है, थोड़ा अभी सन्नाटा है, अभी मार्केट ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा, अभी सन्नाटा चल रहा है। हाँ, खर्चा पानी निकल जाता है जी। अच्छा, जैसे कलर की बात आती है कपड़ों की, तो सबसे ज़्यादा कौन से कलर बिकता है? अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो रंगीन ज़्यादा बिकता है, व्हाइट भी बिकता है लेकिन रंगीन ज़्यादा, रंगीन ज़्यादा बिकता है। हाँ, भाजपा के लोग ज़्यादा रंगीन पसंद करते हैं जी, भाजपा नेता जो भी आते हैं जी जी, रंगीन कपड़ा। तो भाजपा के लिए कहा जाता है कि भाई सिर्फ भगवा ही पसंद करते हैं? भगवा भी पहनते हैं, भगवा में भी देखिए कलर सब लगे, हर भगवा में हर डिजाइन में है। हाँ। तो भगवा भी पहनते हैं, प्लेन में, लाइनिंग में भगवा हुआ, येलो हुआ, पीला, केसरिया, सब कलर चलता है, ज्यादा भगवा चलता है। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है थोड़ा दिखाएंगे कुछ कपड़े निकाल के? हाँ, दिखाइए अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है जो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए, जो लोग अभी इस समय डिमांड कर रहे हैं वही भी कपड़ा आपको दिखाते हैं कि इस तरीके की लोग अब डिमांड कर रहे हैं, और जो पहले तो थोड़ा पेवर करते थे एकदम, अभी ये इस समय लेटेस्ट कर रहे हैं, पहले थोड़ा और गाढ़ा कलर होता था, ऐसा भी है? हाँ, नहीं, गाढ़ा भी है, ये सब गाढ़े कलर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ऐसा भी है कि जब से 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद कुछ भगवा कलर की जो डिमांड है वो कम पड़ी है? नहीं, बिकता है थोड़ा बहुत, बाकी रंगीन ज्यादा, और भी कलर ज्यादा बिकते हैं, और कलर ज्यादा पेड़ लोगों ने मतलब। हाँ, पहले जैसा नहीं उतना भगवा बिकता है, पहले ज्यादा बिकता है। 2024 के बाद कम पड़ा है? हाँ, बाकी सब और रंगीन है, लाल है, पीला है, सब चलता है, भगवा कम बिकता है, भगवा कम, पहले जैसा नहीं बिकता भगवा, पहले जैसा नहीं बिकता। तो आप मतलब भगवा छोड़ के लोग अलग अलग कलर दूसरा पसंद कर रहे हैं? सब चलते हैं, भगवा भी एक पहनने वाले ले जाते हैं, मान के चलिए 10 कपड़ा बिका उसमें 2-3 भगवा बिकता है जी। लेकिन वो चीज़ नहीं बची ना जो पहले थी हम कर रहे हैं जी। हाँ, सही कह रहे हैं आप जी जी जी। पहले क्या था कि भाई प्योर जो, जैसे हमने जो मार्केट की स्थिति जो है जो लोग बता रहे हैं, हाँ, कि पहले भगवा की ज़्यादा चॉइस करते थे और अब अलग अलग दूसरी, तो ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, अब तो भाई पसंद अपना अपना है, अब कस्टमर को जो पसंद आएगा वही देंगे ना, बाकी रखते हैं सब, भगवा भी रखते हैं, गेरुआ कलर, सब कलर रखते। कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ नेताओं कपड़ों की? यहाँ करीब 15-16 दुकानें हैं कपड़े, सिर्फ नेताओं कपड़े मिलते हैं? हाँ, नहीं, सब पहनते हैं, आप भी पहन सकते हैं। नहीं, पहन सकते हैं लेकिन ज्यादातर नेताओं के ही कपड़े, नेता वाली। हाँ, खादी, खादी, शुद्ध खादी, शुद्ध खादी। हाँ, लेकिन जो भगवा की खबर है कि हाँ थोड़ा कम हुआ है डिमांड? हाँ, भगवा कम बिकता है अब, पहले जैसा नहीं बिकता है, बाकी और कलर चलते हैं। चलिए ठीक है, तो ये है जो भाई साहब, इनका कहना है कि भाई कलर तो सारे बिक रहे हैं, अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो मर्जी आए वो ले ले, लेकिन हाँ थोड़ा सा 2024 चुनाव के बाद थोड़ा सा कम हुआ है डिमांड। सबसे पुरानी दुकान है दारुसपा की, है हैदर भाई की, उनकी दूसरी पीढ़ी, और ये उनकी दूसरी पीढ़ी है जो अब उस दुकान को आगे बढ़ा रही है। तो आपके वहाँ भी सारे नेताओं के कपड़े मिलते हैं? जी सर, मिलती है जी, मिलते हैं। तमाम सारे ऐसे नेता भी होंगे जो छोटे से वो बड़े हो गए होंगे? छोटे से बड़े सब सब। तो क्योंकि पुरानी दुकान है आपकी? पुरानी दुकान है सर। अच्छा, ये बताइए 2024 चुनाव के बाद कौन से कपड़े की डिमांड बढ़ी है? वो जो फोर प्लाई चलती है, वो वाली फोर प्लाई वाली। हाँ, खादी कलर, कलर कौन सा? व्हाइट भी चलता है ज़्यादा। अच्छा, कलर भी चलता है बहुत सारा कलर सर। और भगवा? भगवा कलर भी चलता है सब, थोड़ा सा जितना कलर है सब चलता है यहाँ पे। भगवा की डिमांड बढ़ी है कि कम हुई है? अभी तो डिमांड नहीं हुआ है अभी तक 24 चुनाव के बाद। अच्छा, अभी भगवा का कलर अभी कम है। कम बिक रहा है जी? कम है।
बहुत चुनाव के बाद जी बहुत कम। अच्छा तो फिर क्या पसंद कर रहे हैं लोग जो आ रहे नहीं था? व्हाइट ही पसंद करता था, व्हाइट सीट जी जी और कुछ नहीं था। अच्छा कुछ और कलर पसंद कर लेते होंगे लेकिन भगवान ही पसंद कर रहे हैं? भगवान नहीं पसंद कर रहे। अच्छा क्या लगता है क्यों नहीं पसंद कर रहे आपको? इससे पहले ज़्यादा बिकता था? बिकता था अभी फिर भी अभी फिलहाल बहुत कम बिक रहा है, अभी जितना बिकता था पहले ना अभी उससे कम बिक रहा है। अभी उससे कम बिक रहा है जी, बहुत कस्टमर कम आ रहे हैं जी। अभी आएंगे, अभी तो चालू हुआ है, कस्टमर सभी आएंगे। चलिए तो भाई स्थिति अभी आपको दो दुकान पे हम गए हैं, दोनों दुकान पे हमने बात करके देखी है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव के बाद भगवा जो कलर है उसकी डिमांड कम हुई है। तो भाई कुछ कस्टमर हैं जो कपड़ा पसंद कर रहे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है और उनके मन में क्या है, इस बार कैसा कपड़ा खरीद रहे हैं। आप मार्केट आए हैं दारुसभा, दारुसभा बहुत पुरानी मार्केट है, आप आते होंगे इससे पहले भी? जी बराबर आते हैं, यहीं से कपड़ा लेते हैं, यहीं से लेते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे कह रहे हैं कि अभी आप क्या पसंद कर रहे हैं इस बार? वाइट। अच्छा उसके अलावा? अब बहुत नेता तो बहुत सारे कलर पहनते हैं, तमाम सारे कलर पहनते हैं? नहीं 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 पहनते हैं, लेकिन वाइट वाइट है, वाइट वाइट है जी, वो बाकी और कलर नहीं। ठीक है, हम लोग समाजवादी ठहरे हैं, ये भगवा भगवा ये टाइम गया, जा रहा है और चला गया, अब आगे आने वाला वक्त जो है वो समाजवादी का। चलिए भाई, ये समाजवादी पार्टी से हैं और इनका कहना है कि भाई अब इनको क्योंकि वाइट ही पसंद है और कह रहे हैं कि भगवा की डिमांड कम हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और 2027 में जो भी समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी जी। क्यों भगवा क्यों कम हो गया भाई? क्योंकि बीजेपी काफ़ी पीछे से कमज़ोर होती चली हुई आ रही है इसलिए, और समाजवादी पार्टी का स्तर कुछ बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ये मान के चलिए आप। चलिए दादा, क्या स्थिति है अब इस चुनाव के बाद, क्या स्थिति है मार्केट की? ठीक है, पहले जैसे था वैसे अभी भी है, कुछ कम हुई है दुकानदारी? ऐसा तो नहीं, अभी तो इस वजह से कम है कि सब दिल्ली जा रहे हैं भाई, केंद्र की सरकार बनी है, मंत्री बने हैं, सब वहाँ जा रहे हैं बधाई देने, इसलिए यहाँ 19-20 है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा कुछ कलर है जिसकी डिमांड बढ़ी है? अभी तो ऐसा तो लग नहीं रहा कुछ अलग से कुछ डिमांड बढ़ी है, पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, चुनाव से पहले जो चल रहा था वही चल रहा है। अच्छा कोई कलर ऐसा है जिसकी डिमांड कम हुई है? कम अभी तो हमको नहीं लग रहा कि 2-3 सालों में ऐसी कोई बात हुई है, उससे पहले ये है कि सरकार नहीं बनी थी जब पहली सरकार, तब भगवा ज़्यादा चल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे क्रेश थोड़ा कम गया, कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। हाँ और 24 चुनाव के बाद तो कस्टमर कम आ रहे हैं ना, तो अभी क्या अंदाजा करें, नेता सब जब आएंगे तब पता चलेगा कम है कि ज्यादा है, लेकिन है नहीं मार्केट नहीं, उसके बाद मार्केट सब दिल्ली गया हमारे नेतागिरी से। देखिए लोग पसंद कर रहे हैं जो अभी कलर, तमाम सारे कलर आपने फेंका है। हाँ जी जी, लेकिन उसमें भगवा नहीं है? भगवा मांगते हैं उसे देते हैं, भगवा तो सब चमक रहा है सबसे। बाकी कपड़े बहुत सारे कलर के आपके पास हैं, लेकिन भगवा भी बहुत है, देखिए तो सब भगवा ही तो रखे हैं, सब तरह भगवा रखे हैं, ऐसा नहीं बिकता है। अभी भी जो पुराने लोग हैं और जो आते हैं नेता सब, वो सब लेते हैं। कम हुई डिमांड लेकिन? कम हुई है हाँ, पहले के मुकाबले अभी थोड़ा कम कम। हाँ चलिए भाई, पहले के मुकाबले अभी थोड़ी सी डिमांड कम हुई है, खासकर पहली सरकार के बाद दूसरी सरकार में जो उत्तर प्रदेश सरकार बनी उसमें कम हुआ और 24 के बाद और कमी आई है। हम कई जगह हम दुकान पे देख के आए हैं, तमाम सारे कपड़े आपको मिलेंगे, तमाम सारे कलर आपको मिले होंगे, लेकिन जो भगवा कलर सेफ्रॉन जो कलर है वो कलर लोगों को नहीं भा रहा है। आप बैठे हैं दुकान पे, आप कपड़े खरीद रहे हैं, कौन सा कलर आप पसंद कर रहे हैं? नहीं कपड़ा तो बिल्कुल सफेद कपड़ा ही कपड़ा माना जाता है, राजनीति करने वाले लोग सफेद कुर्ता पैजामा को ज्यादा पसंद करते हैं, कलरफुल भी लोग पसंद करते हैं। और कहा जा रहा था कि भाई भगवा बहुत डिमांड में है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ डाउन जैसे मार्केट हमने देखा है, तो आप क्या पसंद कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों की पसंद तो सफेद कुर्ता पैजामा है, भगवा का कलर डाउन हुआ है 2024 के चुनाव के बाद, भगवा लेने वालों की संख्या घट गई है। ऐसा क्यों? ये प्रदेश के हालात बदले हैं और प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है और वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया है, अब पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर एक की पार्टी बनी है और देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, और जो ये दम भरते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके दम में अहंकार था, उनका अहंकार चूर चूर हुआ है, गरीब कमजोर पिछड़े दलित एक साथ खड़ा होकर
समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी को इनकार किया है। पूरे मार्केट में हम देख के आए हैं 20-25 दुकानें हैं, बहुत पुरानी मार्केट है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग कपड़ा खरीद रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग खादी पसंद करते हैं और खादी पहनते हैं और हमेशा वो खादी के महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हैं और महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया और जो कपड़ा दिखाया उसी को समाजवादियों ने ग्रहण किया, अपनाया है। हमारे नेता अखिलेश यादव भी खादी का देखते हैं, कोई कोई फैशन वाला कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो चौतारी खादी का कपड़ा पहनते हैं, वही पहनते हैं और ज्यादातर हमारे समाजवादी पार्टी के नेता खादी के कपड़े पहनते हैं जी। चलिए, तो ये जो मार्केट है दारूसभा की, हमने पूरे मार्केट में जाने का प्रयास किया और आपको दिखाने का प्रयास किया तस्वीरों में, सन्नाटा है चुनाव के बाद, लेकिन हाँ जिन जिन दुकानों पर हम गए हैं जहाँ कस्टमर हैं वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता ज़्यादा दिखे हैं और जो कलर है वो सफ़ेद और सफ़ेद के साथ और सारे कलर दिखे हैं, लेकिन सेफ्रॉन कलर जो है, भगवा कलर जो है, उसकी डिमांड कहीं पर नज़र नहीं आई है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।